आरपीआई के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, नवंबर में होगी एनडीए की सत्ता, विरोधी होंगे पूरी तरह से धराशाही। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व में आज मुंबई के वाशी में आरपीआई का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में आरपीआई के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुंबई मनपा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। रामदास आठवले ने कहा कि हम शिवसेना के नखरे नहीं चलने देंगे, हम गणेश नाइक के नेतृत्व में मुंबई में एनडीए का महापौर बनाएंगे। रामदास आठवले ने कहा कि हमने बीजेपी को 25 ऐसी सीटों के लिए दी है जहां हमारे कार्यकर्ता अधिक मात्रा में मौजूद हैं। हमें लगता है कि बीजेपी हमें 8 से 10 सीटें जरूर देगी और हम साथ में मिलकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भले ही चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपना अस्तित्व बरकरार रखेंगे। नव्या मुंबईच्या या निवडणुकीच्या संबंधामध्ये आजचा मेळावा जो आहे, हा मेळावा आज इथं संपन्न झालेला आहे आणि गणेश नाईक यांच्यासोबत मी दूरध्वनीवरून बोललेलो आहे। त्यानंतर आमचे सिद्रा मोहाळ जे आहेत, इथले शहराचे अध्यक्ष आहेत, ते 2-3 वेळेला त्यांच्यासोबत चर्चा झालेली आहे आणि काही जागांची यादी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेली आहे। तर लवकरात लवकर आता इलेक्शन एप्रिल मे मध्ये येणार आहे, त्यामुळे लवकर जर हा निर्णय झाला तर आम्ही, मला वाटतं 25 जागांची यादी त्यांच्याकडे दिलेली आहे। तर 25 जागांची यादी दिलेली असली तरी आरपीआयला एक 7-8 जागा मिळाव्यात अशा पद्धतीने आमची अपेक्षा आहे। ज्या ठिकाणी निवडून येणारा आमचा कॅन्डिडेट आहे, ज्या ठिकाणी दलितांचं वोट आहे, आगरी समाजाचं वोटिंग आहे, तर अशा ठिकाणी आपल्याला जागा त्या द्याव्या अशा पद्धतीची चर्चा जी आहे ती चर्चा तर सुरू आहे। तर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा अशा पद्धतीचा आमचा प्रयत्न आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।